भगवान बाबा अबे इसको ब्लाउज पहनाओ बे। कहने को ये भाई साहब वेट लिफ्टिंग के चैंपियन है और सबसे ज्यादा वेट उठाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अच्छा नकली वीडियो ये हमने देखी थी हद बीसी वाली वीडियो। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने तो ऐसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। और जिस इवेंट की ये भाई साहब बात कर रहे हैं ना और वो अपनी फर्जी वीडियो दिखाते फिर रहे हैं, तो बाबू ऐसा है तुम उस फर्जी वीडियो से पाकिस्तान की भोली वाली जनता का चूता काट सकते हो, इंडिया की नहीं। Hi guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला की एक वीडियो, फनीस्ट कंट्री ऑन द अर्थ पाकिस्तान अखंड चुतियाप्पा। ये वीडियो एक्चुअली सम्राट के चैनल से डिलीट हो चुकी है, आई डोंट नो उसने खुद की है या फिर यूट्यूब ने कर दी, पता नहीं, लेकिन हमने ये वीडियो ढूंढ निकाली। ठीक है, तो एक्चुअली स्क्रॉल करते करते ना यूट्यूब पर मुझे ये वीडियो मिली सम्राट के पाठशाला पे, मतलब उस चैनल की नहीं थी लेकिन किसी और चैनल की थी। मैं वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर ओरिजिनल लिंक आप देखना चाहते हो, ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो जब मैंने देखी ना, आई स्वेयर, मतलब शुरुआत के दो तीन क्लिप देख के ना मैंने छोड़ दी थी। मैंने सोचा था नहीं, सम्राट की पाठशाला की है, मैं इसको ओरिजिनली उसी वक्त देखूंगी जब मैं इसका रिएक्शन कर रही होगी। ठीक है, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बेसब्र हूँ क्योंकि सम्राट की पाठशाला की वीडियो जो होती है ना, वो कोई सी भी हो, किसी भी टेक, उसका बात करने का अंदाज, उसका एक्सेंट, उसकी स्माइल, I love him, वो बहुत ही अच्छा बंदा है सच में। चलो यार इस वीडियो को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अरे यार सुनना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्लेमर, कृपया ध्यान दीजिए, इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो उन 2-3% लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो अपने फायदे के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं। प्यार बांटो यार, नफरत नहीं। धन्यवाद। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। चिलगोजी क्या कर रहा है? अबे चुप रहे, कवाई ऐप पर वीडियो डाल रहा हूँ। कवाई ऐप, ये क्या? अबे तुझे कवाई ऐप का नहीं पता? कवाई ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम अपना टैलेंट दिखाकर फेम और मनी अर्न कर सकते हो। और आजकल तो इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है MB, जिसमें तुम अपने अच्छे अच्छे फोटोज का एक अच्छा सा कोलाज बनाकर वीडियो के फॉर्मेट में चला सकते हो और पूरे देश पर अपनी एक अलग छाप छोड़ सकते हो। है ना कमाल का एप्लीकेशन। तो क्या हाल है आजकल ना यार, एक ट्रेंड सा चल गया है, अगर आपको फेमस होना है तो आप किसी दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दो। पहले लोग फेमस होने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन ना सबको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर इंटरनेट पर फैलना शुरू होता है चूतियापा। जैसे कोई खीरा खा रहा है, कोई क्रीम रोल को मुंह में दे रहा है। चलो कोई नहीं, इन सब की बकचोदी कहीं झेल रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इससे एंटरटेन ही हो रहे थे। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ससुर अपना ही राग अलाप रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पिछवाड़े में तीतर का बाल होता है, ये वही है। एक होते हैं चूतिया, फिर आते हैं महाचूतिया, फिर आता है ये सिलिकॉन की दुकान खान बाबा। इसको ब्लाउज पहनाओ बे। कहने को ये भाई साहब वेट लिफ्टिंग के चैंपियन है और सबसे ज्यादा वेट उठाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अच्छा नकली वीडियो ये हमने देखी थी हद बीसी वाली वीडियो। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने तो ऐसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। और जिस इवेंट की ये भाई साहब बात कर रहे हैं ना और वो अपनी फर्जी वीडियो दिखाते फिर रहे हैं, तो बाबू ऐसा है तुम उस फर्जी वीडियो से पाकिस्तान की भोली वाली जनता का चूता काट सकते हो, इंडिया की नहीं। अबे हर स्पोर्ट्स का एक प्रोटोकॉल होता है, एक ड्रेस कोड होता है, ऐसे नहीं कि कोई टेंट का कपड़ा ओढ़ के स्टेज पे जाके परफॉर्म करने लगेगा। टेंट का कपड़ा ओढ़ के और वेट उठाने का पोस्चर देखना भाई का। अबे बस जा यार। और इस वीडियो के एडिटिंग देखो कितनी फर्जी है, कोई कॉम्बिनेशन लग रहा है स्टेज और ऑडियंस का, मतलब कुछ नहीं। और इन भाई साहब की डाइट देख लो, 4-5 किलो गोश्त और 3-4 चिकन
और 4-5 किलो। भाई वो तेरे पेट में जाके बोलते नहीं है। अबे जब ये इतना खाता है तो हकता कितना होगा बे? मुझे तो लगता है इसके घर का सारा बजट इसके लैट्रिन के टैंक की सफाई में घुस जाता होगा। कारनामे भाई साहब के, ओहो हो हो, पूछो ही मत। इसने एक हाथ से ट्रैक्टर रोकने की फर्जी कोशिश करके लोगों का चूतिया काटा, हम कुछ ना बोले। एक हाथ से ट्रैक्टर निकल गया और इसने फटी सी बाइक के साथ रेस लगाई। हालांकि ये बाइक से पहले ही भाग गया था, लेकिन हम फिर भी कुछ ना बोले। रुक जा, पहले मुंह भगन दे। अगर मुंह तो पहले भगो ना साले, रबड़ बना दूंगा तेरी। यहाँ तक कि इस घटोत्कच ने एक टांग उठाकर गाड़ी रोकने की फर्जी कोशिश करी, हम उसे भी डाइजेस्ट कर गए। खान बाबा, पब्लिक का चूतिया कैसे बना है? तुम एक काम करो, तुम गाड़ी को बैक गियर में लगाओ और ऐसे आगे पीछे हिलाओ। अब मैं गाड़ी पर टांग रख के ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं गाड़ी को रोक रहा हूँ। अरे अंड बंड का टोला, जिसने गाड़ी का पहला गियर लगाया उसकी। लेकिन इस बार इस गुब्बारे ने गलती कर दी जो ये इंडिया को गाली दे बैठा। मेरा ये मैसेज इंडिया के आर्मी चीफ के लिए, तुम हर हमेशा पाकिस्तान को 6 इंची सिर्फ करते आ रहे हो। एक सुई देना मुझे तो, मुंह पे पड़ गया ना, छोटी सी सुई। देख बेटा, जिस आर्मी चीफ की तू बात कर रहा है ना, अगर उसने गलती से भी छू बोल दिया ना, तो इंडियन आर्मी वाले तेरी पाइपलाइन में इतना पीतल भरेंगे ना कि तेरी 7 पुस्तक खोखा बीन बीन के अमीर हो जाएंगी। तैयार हो जाओ तैयार, हम तो कब से तैयार बैठे। ओहो भाई सब तैयारी करके बैठे हैं, तो आओ इनकी थोड़ी तैयारी भी देख लेते हैं। ना अभी और है। अबे हमने तो मिसाइल भारत में छोड़ी थी, ये तो यहीं गिर पड़ी। अबे यार आजकल ये भाई साहब खली को चैलेंज देते फिर रहे हैं। मैंने तुम्हारे ग्रेट काली को चैलेंज किया है, तुम लोग इतने बेगैरत हो गए, अभी तक उसको तुमने तैयार ही नहीं किया। अभी भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? हम तुम्हें बंदूकों से नहीं, बिल्कुल हम लोग तुम्हारे साथ काम क्या लड़ेंगे? एक हाथ तुम सबके लिए काफी है। तुम ये पठान का हाथ है, पठान का हमारी आर्मी, पठान का हाथ है तो इनसे अपने कहां ये खान बाबा, मैं खान बाबा को बोल रहा हूं। उस सुबह से हम जाके डेयरी में 2-4 लीटर दूध दिया कर, जिससे 2-4 घरों में चाय बनेंगी तो लोग तुझे दुआ देंगे। और तू बात कर रहा है खली को मारने की? बेटा खली ने एक कस के झापड़ मार दिया ना, साले मुंह के दांत गांठ निकलेंगे। तुमने अगर जरा सी भी हरकत की ना तो हिरोशिमा में क्या तबाही हुई होगी, इंडिया में इस तरह तबाही करेंगे ना कि पूरी दुनिया याद रखेगी। सुन बे साउथ पोल के सुबह, पूरी इंडिया तो छोड़, हम उत्तर प्रदेश वाले एक साथ खड़े होकर मौत देना, तुम वैसे बह जाओगे। साला खौफनाक मंजर दिखाएगा, हट। अब तो साले बाबा नाम से नफरत ही हो गई है। इसके जैसा एक और है जिसका नाम है वकार जाका। अब जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है तो मैं उन्हें बता दूं, एक बार रघु ने पाद मारा था तो इन भाई साहब का जन्म हो गया था। ये भाई साहब पाकिस्तान में एक शो चलाते हैं, वही रूडी जैसा, जिसमें रघुराम बनने की पूरी पूरी नाकाम कोशिश करते हैं। और डेयर के नाम पे कभी लौंडे लड़वा देता है, कभी लौंडी नचवा देता है। कभी छोरी के नाक में सांप घुसा के मुंह से निकलवा देता है। आयशा बिल्कुल आराम से करो, बिल्कुल हो गया। मतलब छोरी खुद ही परेशान हो रही है, सांप कोई परेशान कर रही है। और गलती से अगर सांप रास्ता भूल के किसी और छेद से निकल आता तो लेने के देने पड़ जाते। इतना काला कांडी आदमी है। और यही नहीं, पाकिस्तान की जनता का भी फुल सपोर्ट है इसको, बहुत प्यार करती है इसको। क्योंकि जनता चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की, चूतियापंती बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पहले ये भाई साहब शरीफ हुआ करते थे और अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, फिर शायद किसी ने इनके पिछवाड़े में लोलोमाइसिन के टीके लगा दिए और फिर इनको भी लगा कि अच्छी अच्छी बातें करने का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, तो इन भाई साहब ने नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी, तो फिर ये भी शुरू हो गए लोलोमाइसिन। पूरे मुल्क में धमाके हो रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि ये इंडिया ही है जो करवा रहा है। भाई देख, सुन बाल लोच के फेंक दूंगी मैं। फालतू टाइम नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट जैसी तुच्छी हरकतों को करता फिरे, समझ गया? इंडिया तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहे? हमने तुम पर इतने साल हुकूमत की है। है? हुकूमत? अबे कौन सा इतिहास पढ़ लिया बे तुमने? कैच तुम पे लिए नहीं जाते, धमाके की आवाज सुनकर तुम्हारे पखलून उतर जाती है, बंदूक तुम पे चलाई नहीं जाती, लेफ्ट राइट का तुम्हें पता कुछ नहीं, अपने देश का झंडा तुम पे संभाला नहीं जाता और ज्ञान फैल रहे हो तुम हुकूमत का। अबे एक बार गूगल तो कर लेता, पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ लिया इन लोगों ने। तो आओ
थोड़ा सा असल इंडिया की सैर कराते हैं इन लोगों को। तो सुन बे चिलगोजे, जितने मुसलमान तुम्हारी कंट्री में है ना, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान हमारे इंडिया में रहते हैं, जो कि गर्व से अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं और उन्हें अपने इंडिया पर गर्व है। जितनी तुम्हारे देश की आबादी है ना, उससे कहीं ज्यादा लोग तो हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और जिस आर्मी से तुम पंगे लेने की बात कर रहे हो ना, वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है। पता नहीं तुम्हारी गवर्नमेंट ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं ना, सारे के सारे इंडिया जीता है। विश्वास ना हो तो गूगल कर लेना। गूगल कर लो। हमने अमेरिका की गांड के नीचे न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, और इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट बनाया था, याद है कि भूल गए? अभी और सुन, इंडिया के पास एम्स है, इंडिया के पास इसरो है। जिस मंगल ग्रह के बारे में तुम किताबों में पढ़ते होंगे ना, वहाँ तो हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं। और जिस चांद को तुम धरती से देखते हो ना, वहाँ इंडिया का राकेश शर्मा घूम के लौट भी आया। अभी और सुन, इसरो ने स्पेस में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करी थी, आज तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है। अभी और सुन, इस धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और न जाने कितने वीर सपूतों ने जन्म लिया है। कभी नाम भी सुना है इनका? इनके कारनामे सुन लोगे तो गांड फटके हाथ में आ जाएगी। तुम बस ये सोचते हो कि बॉम्ब कहाँ फोड़ना है, उसको नीचे कैसा दिखाना है, उस देश को कैसे बर्बाद करना है। मैं तुमको और तुमको बस एक बात बोलना चाहता हूँ, मनोज भाई आ जाओ। चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही रहता है। अब देखो यार, तुम्हें मैं एक बार सच सच बताना चाहता हूँ। आवाम चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, हर कोई सुख शांति से और अमन से जीना चाहता है। कौन चाहता है यार लड़ाई? कोई भी नहीं चाहता। अगर लड़ना ही है तो गरीबी से लड़ो, मेहनत करो, अपने देश के विकास के बारे में सोचो। ऐसे चूतियों को फॉलो करने का क्या फायदा, जो बस अपने फायदे के लिए नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, क्योंकि इन सब में इनका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो जहर भोके निकल जाते हैं, और भुगतना आपके और हमारी जैसी जनता को पड़ता है। अब जो समझदार है वो मेरी बात से एग्री करेंगे, और जिनके समझ में अभी तक कुछ नहीं आया वो बिना मतलब आके अपना ज्ञान पे लेंगे। लेकिन जाते जाते बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर तुम किसी देश के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। अरे यार, प्यार बांटो, नफरत नहीं। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो लाइक मारो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। और कवाई ऐप एक अच्छा एप्लीकेशन है जहां आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, तो एक बार इस ऐप को जरूर चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। Okay, so here it's end. Okay, यार देखो, ये जो खान बाबा और वकार जका इस टाइप के लोग हैं ना, ठीक है, और कुछ चुनिंदा पाकिस्तानी रिपोर्टर्स, ठीक है, तो यार बात सुनो, तुम लोग ने ना कभी हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है सच में, और तुम्हारे यहाँ पता नहीं कौन से बुक्स पढ़ाई जाती हैं यार, जो तुम लोग को गलत फहमी हो गई कि इंडिया पर पाकिस्तान ने राज किया है। अबे इंडिया ने ही तुम्हें उतना ज़मीन दिया है, ये समझ लो, ठीक है, वो भी मोहम्मद अली जिन्ना की जिद पर, वरना जो गृह युद्ध हुआ था ना वो भी ना हुआ होता, ठीक है। और इतना सब कुछ होने के बाद ना तुम विकास पर ध्यान देते हो, ना तुम अपने देश की प्रगति पे ध्यान देते हो, ना ही औरतों की इज्जत पे ध्यान देते हो, अगर तुम्हें पता हो कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो तुम, सब सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दोगे बस कि इंडिया को किस तरह से बेइज्जत करना है, आर्मी को किस तरह से हूल देनी है, ठीक है, ताकि वो आके तुम्हारी पिछवाड़े पे बजा दे अच्छे से। और जैसा कि सम्राट ने कहा यार, अब तक इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी बैटल्स हुए हैं, सब में इंडिया जीता है। पता नहीं तुम्हारी मीडिया ने क्या छापा है, ठीक है, अपने अपने अखबार में कि जीत कोई और गया और खुशी का जश्न हम मना रहे। चलो अच्छा है यार, हमारी जीत का जश्न तुमने भी मना लिया, छोड़ो उस बात को। खैर ये बात सही है यार, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मुट्ठी भर लोग जो अच्छी सोच रखते हैं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो ये जानते हैं कि दो देशों में नफरत फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी जियो, मज़े से काटो और ऊपर वाले को प्यारे हो जाओ, पर इतनी सी ज़िंदगी है। लेकिन नहीं, जितने लोग होंगे भैया वो जड़े काटने, अपनी ही जड़े काटने पर तुले रहते हो, ठीक है भैया, तुम्हारे यहाँ नमक भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होके जाता है, ठीक, कम से कम कुछ तो ज्ञान ले लिया करो, कुछ तो रिसर्च कर लिया करो, हैं, तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो बस यार, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा फिर से आपको यही मैसेज है कि इन कुछ चुनिंदा चूतियों पर ध्यान मत दें, ठीक है,
अपनी जिंदगी मजे से जिए, दूसरों को भी जीने दें और आपस में प्यार बनाए रखें। ये वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।